ये तो एकदम गंदा है। जो भी है यही सच्चाई है हमारी। आई मकड़ी और मकड़ी का जाला। अब इसकी आदत डाल ले बेटा। अशोक यहाँ आओ, यहाँ बैठो। यहाँ कोई भी मकड़ी नहीं है। ताई मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखो इतना अंधेरा है, कीड़े हैं, गंदा और छोटा भी है। सफाई करेंगे तो सारे कीड़े भाग जाएंगे। और छोटा है तो अच्छा है ना, अब हम एक दूसरे के और पास रहेंगे। पहले तो अपने कमरे में अलग सोता था और कभी कभी रात में जब जोर से बिजली कड़कती थी तो डर जाता था ना। अब तो हम सब एक साथ सोएंगे तो तुझे कोई डर नहीं लगेगा। ताई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है? कुछ भी नहीं है खाने को, आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। भूखे पेट पानी पीकर पेट भर लो और सो जाओ। जितना जागोगे उतनी ज्यादा भूख सताएगी। लेकिन आई अशोक को भूखे पेट नींद कैसे आएगी? और अगर नींद आ भी गई तो वो सोएगा कैसे? उसे हमेशा जमीन पे कुछ बिछाकर सोने की आदत है, ओढ़ने के भी तो उसे कुछ चाहिए होगा। तेरे बाबा ने हमें ऐसे हाल में लाकर खड़ा कर दिया है कि काश इन्होंने उस वक्त हमारी बात सुन ली होती। सुमति समझ ले, हम तेरे बाबा के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। जितनी जल्दी ऐसे जीने की आदत डालेंगे अच्छा होगा, तकलीफ कम होगी। नहीं आई, ये हमेशा के लिए नहीं है। मैं नहीं मानती, सही रास्ता दिखाएंगे और तब तक हमें अशोक को हिम्मत नहीं हारने देना है। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो मन लगा के पढ़ेगा, बाकी हम सब देख लेंगे। मैं सरकार के पास से कोई पुराना कंबल मांग के आती हूँ। पागल हो गई है तू? सरकार के पास जाएगी वो तुझे खरी खोटी सुनाएंगे, अपमान करेंगे तेरा। अपने भाई के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ।
बेटी, ये तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक बच्चे की आजी भी हूं। और अगर घर में दो बच्चे ठीक से नहीं सो पाए तो मैं कैसे सो पाऊंगी? ये ले। खाना देने से मना कर दिया तो कंबल लेकर आ गई? ओहो, ये पुराना है और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है, कम से कम उस पर तो तरस खाइए। चुप! मैं क्यों तरस खाऊं? फकीर के भक्त है ना ये, उसका गुणगान गाते हैं ना, तो वो तरस खाए इन पर, कोई चमत्कार दिखाए। अरे कंबल पुराना है ना, पुराना है ना ये। इधर दे। हरिओम, हरिओम। ये मेरा घर है और उस फकीर के किसी भी भक्त पर यहां कोई तरस नहीं खाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, लेकिन एक चीज साई ने मुझे सिखाई थी, जिसने हमेशा मुझे संकटों से बाहर निकाला है, और वो है रामकृष्ण हरि का जाप। रामकृष्ण हरि, सरकार सही कह रहे हैं, जिसके सर पे आपका हाथ हो उसे किसी और से कुछ मांगने की क्या जरूरत है। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को कोई कष्ट मत होने दीजिए। राम जी भला करें। साई, आपके सोने का इंतजाम कर दिया है। बीवा, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बेटा तुम्हारी राह देखते होंगे।
साहिब, आपके चेहरे पर ये शोक क्यों? किसी और के किए का कष्ट किसी मासूम को भुगतना पड़े तो दुख तो होता ही है। मैं बस इतना जानता हूँ साहिब, जिसके लिए भी आपकी आंखों में नमी आए उसके कष्ट ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। चलता हूँ साहिब। राम जी ने किस्मत में जितनी परीक्षा लिखी है वो तो हम सबको देनी ही होगी, लेकिन राम नाम वो ब्रह्मास्त्र है जिससे हर पीड़ा दूर हो जाती है। तुम ठीक कह रही हो रमा, सब मेरी वजह से ही हुआ है। कैसा नालायक बाप हूं मैं, दो बच्चों का घर संवारने के लिए दो बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया मैंने। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बाबा, साई कहते गलती सुधारने का पहला कदम है गलती मानना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। सरकार के यहाँ एक बार गुलाम बनने का मतलब है अब सारा जीवन ऐसे ही कटेगा। किसी भ्रम में मत रहना तुम, और ये जो भूख है जिससे हम सब तड़प रहे हैं यही अब हमारा भविष्य है। कोई माने या ना माने मुझे पूरा विश्वास है साई हमारी मदद जरूर करेंगे। तू बोल साई को, अब भी करे हमारी मदद। कहाँ है उनका चमत्कार? एक चीज साई ने मुझे सिखाई थी जिसने हमेशा मुझे संकटों से बाहर निकाला है, और वो है रामकृष्ण हरि का जाप। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए,
घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय। आप सबको भी ऐसा लग रहा है जैसा पेट भर गया हो? हाँ, तुम्हें भी जैसे भूख खत्म हो गई हो। मेरी भी। ताई, मेरा भी पेट भरा हुआ लग रहा है। कैसे हुआ ये? जब साहिब पे विश्वास हो कुछ भी मुमकिन है। ये साई का चमत्कार है, और क्या हो सकता है? ये साई की तो लीला है। ताई, पेट भर गया, अब नींद आ रही है, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। साई कंबल और तकिया दे सकते हैं क्या? साई ने थोड़ी मदद की, अब थोड़ा हमें भी सहन करना होगा। और तकिए और कंबल नहीं है तो क्या हुआ? तुझे याद है जब आंगन में धूप में तू पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते पढ़ते थक जाता था और मेरे गोद में सो जाता था? समझ जा, आज भी वही समय है। और मेरी गोद में सर रखकर सो जा, और अगर ठंड लगे ना तो रामकृष्ण हरि का जाप कर। रामकृष्ण हरि, जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई।
कुछ मुश्किलों में तुम्हें सहायता मिलेगी, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना तुम्हें खुद करना होगा। इस संकट का सामना तुम कैसे करती हो, यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। राम जी तुम्हें उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और सद्बुद्धि दे सुमति। आहो, आप नौकरी छोड़ के करेंगे क्या? साई का नाम स्मरण, साई की सेवा, अब तो वो पाना चाहता हूं जो जीवन के अंत तक नहीं, जीवन के बाद भी मेरा साथ ना छोड़े। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। आप जो कुछ भी त्याग रहे हैं उसमें कहीं हम सब भी तो शामिल नहीं है ना? जिनके साथ साई चरण है उन्हें डर कैसा? वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता हूं कितने दिन ये गृहस्थी का जीवन जी पाऊंगा। ये गृहस्थी की जिम्मेदारियां साई सेवा में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और इससे मुझे तकलीफ हो रही है। अगर ये गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं होती तो मैं शिरडी में साई के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाता। अब मैं इन सबसे मुक्ति चाहता हूं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। केशव, आज इतनी रात को नींद नहीं आ रही थी। अपराध बोध जैसा नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। क्योंकि अपराध बोध है साईं। जब बचपन में पिताजी को किसी बेगुनाह पर अत्याचार करते हुए देखता था तो हमेशा सोचता था कि बड़ा होकर ये सब रोक दूंगा, लेकिन आज भी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाता हूं। मेरी आंखों के सामने पूरा परिवार असीम दुख और संकटों में, और उन संकटों का कारण मेरे अपने पिताजी, मेरी पत्नी है। ये बात जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अपनी ये मजबूरी ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अपने ही घर में इतना बड़ा पाप होने से नहीं रोक पा रहा हूं मैं साईं। केशव, उन चींटियों को देख रहे हो? जी साईं। जरा देखो तो वो कहां से आ रही है।
चीटियां तो पेड़ के नीचे से आ रही है। जानता हूं, बैठो। पहले उन चीटियों का घर वहां उस पेड़ के नीचे था, लेकिन वहां अक्सर पानी भर जाता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तब मैंने क्या किया जानते हो? क्या साईं? इंतजार। जब फिर से उनके घर में पानी भरा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो घर ठीक नहीं, इसलिए वो अब एक नया घर बना रही है वहां, जो ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है? केशव, जीवन में कष्ट कुछ सिखाने या समझाने के लिए आते हैं। जब हम सोच समझकर कोई गलती करते हैं, तो ये दुख हमें सबक सिखाने आते हैं। हम किसी से सुख दुख बांट सकते हैं, किसी के हमदर्द बन सकते हैं, लेकिन किसी का कर्मफल नहीं बांट सकते, तुम भी नहीं। जो गलतियां राघव ने की थी, उनका फल उसे ही भुगतना होगा, और कुलकर्णी सरकार के कर्मों का जवाब उन्हें ही देना होगा। इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो, ना मैं। हम सबके प्रति अपनी करुणा और अनुकंपा बनाए रखें, बस। लेकिन इंसानियत के नाते क्या हम कुछ नहीं कर सकते? राघव ने कर्ज लिया है, लेकिन उसका दंड परिवार को क्यों? मैं उनकी सहायता तो कर सकता हूं। केशव, सब राम जी की मर्जी है। इंसान तो बस उनकी कठपुतली है। अगर राम जी के मन में होता तो तुम उनकी मदद जरूर कर सकते, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब राम जी के मन में कुछ और है। वो उस चीज को देख पा रहे हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। एक बात समझ लो केशव, पेड़ का एक पत्ता भी राम जी की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता है। फिर ये तो लोगों का जीवन है, इसलिए खुद को अपराधी मानना छोड़ दो। वक्त आने पर राम जी सब ठीक कर देंगे। आपसे बात करके मन हल्का हो गया। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, रात बहुत हो रही है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम।